हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फॉर यू में। गाइस, जैसा मैंने आपको कल बताया था, 10th का सिलेबस मैं आपको कवर करा रहा हूं, क्योंकि आपके यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम होने हैं फरवरी के लास्ट में। तो पूरा टॉपिक मैं आपको कवर करा रहा हूं मैथ का। पहले कल मैंने आपको रियल नंबर की कुछ डेफिनेशन बताई थी, आज मैं पहला टॉपिक लेकर आया हूँ आपका रियल नंबर का यूक्लिड डिविजन लेमा। यूक्लिड डिविजन लेमा क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, किससे रिलेटेड आपके क्या क्वेश्चन बनेंगे, सभी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो एग्जाम फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, जो भी अपडेट होगी गाइस, कोई क्वेश्चन क्वेरी जो भी होगी, सभी का सवाल लोग के जवाब आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे, एग्जाम फॉर यू चैनल पर। अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं, 10th क्लास में आप 90% से ऊपर नंबर लाना चाह रहे हैं मैथ में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एग्जाम फॉर यू चैनल को। तो गाइज स्टार्ट कर देते हैं आपका यूक्लिड डिविजन लेमा। तो गाइज सबसे पहले आप हेडिंग डाल ले यूक्लिड डिविजन लेमा और साथ साथ अपने नोट्स बनाते हुए चलेंगे। यूक्लिड डिविजन लेमा हमारा क्या है, पूरी डेफिनेशन बताऊंगा और कैसे हम लिख सकते हैं यूक्लिड डिविजन लेमा को, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपका टॉपिक मैंने बनाया है यूक्लिड डिविजन लेमा का, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखिए। गिवन पॉजिटिव रियल नंबर ए एंड बी सच दैट, तो आप लिखेंगे गिवन पॉजिटिव रियल नंबर ए एंड बी सच दैट देयर एग्जिस्ट अ यूनिक नंबर पी एंड क्यू सच दैट। तो गिवन पॉजिटिव रियल नंबर यहां पर आप लिख सकते हैं, गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स भी आप लिख सकते हैं, यानी इंटीजर्स में आपका निगेटिव पॉजिटिव सभी वैल्यू आ जाएंगी, तो आप लिख सकते हैं गिवन पॉजिटिव रियल नंबर या इंटीजर्स। तो ए एंड बी सच दैट देयर एग्जिस्ट ए यूनिक नंबर पी एंड क्यू, सॉरी किसी बुक में पी है किसी में क्यू है, तो आप लिखेंगे क्यू एंड आर। तो क्यू एंड आर आप किस लिए लिखेंगे, इजी वे में आपको मैं बताने जा रहा हूं, इसलिए मैंने यहां पर क्यू एंड आर लिया है। अगर मैं पी एंड क्यू ले लेता तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्यू एंड आर मैंने इसी लिया है। अभी आपको समझ में आ जाएगा क्यू और आर किस लिए लिया है। तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी सच दैट देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, और किस बेस पे होंगे, ए इज इक्वल टू, किस फॉर्म में होंगे, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो क्या करेंगे, देयर एग्जिस्ट ए यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर, और किसे सेटिस्फाई करेंगे, वे सेटिस्फाई करेंगे हमारे इस इक्वेशन को, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यहां पर आर की वैल्यू क्या होगी वो आप जरूर नोट कर लें, जीरो लेस देन इक्वल टू आर लेस देन, इसके बीच में होगी ये वैल्यू आपकी, ये होगी बी के बीच में, और यहां पर ए हमारा क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है, आर क्या है, वो मैं आपको यहीं पर बताने जा रहा हूं। तो इतना आप नोट जरूर कर ले पहले। तो गाइस सभी इतना नोट कर ले, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑन कर लेना एग्जाम फॉर यू चैनल को। 10th क्लास में जो भी स्टूडेंट है सभी के पास वीडियो को शेयर कर देना, एक एक टॉपिक क्लियर करता हुआ चलूंगा, किसी का कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आज पूछते हुए चलना। तो हमारी क्या इक्वेशन बनी, गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, कोई भी हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है ए और बी, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, बी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एग्जाम्पल मैं यहीं पर दूंगा। और किस तरह से होगी, कोई भी एक यूनिक नंबर एग्जिस्ट करेगा क्यू और आर, और किस तरह से करेगा, क्या सेटिस्फाई करेगा, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब मैं यहां पर आपको बता देता हूं ए क्या है, बी क्या है, क्यू क्या है और आर क्या है, नोट्स आप साथ साथ बनाते हुए चलना। ए यहां पर है हमारा डिविडेंड, बी क्या है हमारा यहां पर डिवाइजर, क्यू क्या है हमारा यहां पर कोशेंट, और आर क्या है हमारा यहां पर रिमाइंडर। तो
यूक्लिड डिवीजन लेम हमारा क्या है, अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करें तो उसके लिए क्या होगा, एक डिवाइजर होगा यूनिक, और एक क्वेश्चेंट आएगा उसका कोई भी यूनिक, और एक रिमाइंडर आएगा। यही क्या है हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो इसका मैं आपको एग्जांपल भी देने जा रहा हूं, अभी सभी ने नोट कर लिया होगा, डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना एग्जाम फॉर यू चैनल को, डेली आपको मैथ की क्लासेस मिलेंगी, जिसे भी टेंथ में नंबर अच्छे लाने हैं, बोर्ड में टॉप करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं आपको यहां पर एग्जाम्पल भी दे देता हूं, क्या एग्जाम्पल रहने वाला है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा का, कोई नंबर है जैसे 5 को हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे, 5 को हमने 2 से डिवाइड किया तो कितनी बार चलेगा, 2 2 जा 4, रिमाइंडर हमारा कितना आया 1। तो ये फॉर्म हो जाएगी हमारी यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम इसे कैसे लिखेंगे, इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा के, किस तरह से, डिविडेंड हमारा क्या है 5 है, 5 को हमने डिवाइड किया किससे, क्या डिवाइजर से 2 से, कितनी बार हमारा चला 2 times, और रिमाइंडर हमारा क्या आया 1। अगर इस चीज को सेटिस्फाई करेगा तो 5 ही यहां से हमारा आएगा। यूक्लिड डिवीजन लेमा हमारा क्या है, कोई हमारा डिविडेंड है उसके लिए कोई एक यूनिक डिवाइजर होगा, यूनिक क्वेश्चेंट होगा, और यूनिक ही हमारा रिमाइंडर आएगा। तो सभी के बाद नोट हो गई हो तो आप इसको जरूर नोट करें, समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक करते हुए चलना, बेल आइकन को ऑन करते हुए चलना। और इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये तो था हमारा यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में, a = bq + r। अगर किसी के ऐसे समझ में नहीं आता तो इसे हम लिख सकते हैं dividend = divisor * quotient + remainder। इस फॉर्म में भी आप इसको याद कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अब आपका क्या होगा गाइस, क्वेश्चन मैं आपको यहीं पर कराऊंगा, क्या क्या क्वेश्चन होने वाले हैं, किस तरह से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिखेंगे, नोट आप कर ले। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन भी कराकर दिखाऊंगा। तो गाइस एक पॉइंट आपका ये है, डिवीजन एल्गोरिथम में यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा में अगर मैं आपको बोलूं यहां से आप HCF निकालें यानी हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमारा क्या होगा, तो गाइस जो हमारा लास्ट में, सबसे लास्ट में जब हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा और यहां पर हमारा जो क्या आएगा डिवाइजर, वो हमारा क्या होगा HCF। इसे आप नोट कर ले गाइस, HCF हम कैसे निकाल लेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से, जो भी हमारा B आएगा सबसे लास्ट में जहां पर रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 0, तो आइए B हमारा क्या होगा HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। इस चीज को आप नोट जरूर कर लें, बी हमारा क्या होगा HCF। तो गाइस अब मैं आपको यहां पर क्वेश्चन कराऊंगा यूक्लिड डिवीजन लेमा का, HCF निकालना आपको कैसे आएगा, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा फाइंड द HCF ऑफ दीज इंटीजर्स। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद आप तो क्वेश्चन नोट कर ले गाइस आप अपना। क्वेश्चन है आपका Find the HCF, यानी हाइएस्ट कॉमन फैक्टर किसका ऑफ द इंटीजर कौन कौन से इंटीजर होंगे 4, 55 and 42, इनका में क्या निकालना है गाइस HCF, और कैसे निकालना है HCF बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम HCF कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले हमें क्या करना है डिवाइड, यानी 42 से हम किसे डिवाइड करेंगे 455 को, यानी हमेशा छोटे नंबर से हम डिवाइड करेंगे बड़े नंबर को। तो 42 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना चलेगा 1 time, यानी 42 1 जा 42, रिमाइंडर हमारा कितना आया 35। अब क्या करेंगे 35 से हम डिवाइड करेंगे
42 को, तो 35 से 42 को डिवाइड करेंगे तो वन टाइम चलेगा और कितना आएगा 35। रिमाइंडर कितना बचेगा 7। यहां से गाइस हमें क्या निकालना है, HCF बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले हमने किस नंबर को डिवाइड करा, 455 को, किससे करा 42 से, कितनी बार चला हमारा वन टाइम और रिमाइंडर हमारा क्या आया 35। अब हमने क्या किया गाइस, 42 को डिवाइड किया किससे 35 से, कितनी बार चला वन टाइम और रिमाइंडर हमारा कितना बचा 7। इतना हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, हमें क्या लाना है गाइस, रिमाइंडर हमें जीरो लाना है। तो जब हम रिमाइंडर जीरो लाना है तो अब 7 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किसे 35 को, तो 7 5 जा 35 तो रिमाइंडर हमारा क्या आ गया जीरो। तो अब हम इसे किस फॉर्म में लिखेंगे, अब हमने किसे डिवाइड किया, अब हमने किया 35 को डिवाइड, 35 को डिवाइड किया किससे 7 से, कितनी बार चला हमारा 5 टाइम्स और रिमाइंडर हमारा क्या आया जीरो। तो गाइस जब हमारा रिमाइंडर जीरो आया है तो हमारा HCF क्या होगा, ये आप नोट कर ले, इसी तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो फाइंड द HCF ऑफ द इंटीजर 455 एंड 42। तो इससे क्या होगा हमारा, जब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया जीरो, हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा की फॉर्म में लिख लिया और यूक्लिड डिवीजन लेमा से हमें क्या निकालना था HCF, तो HCF हमारा क्या आया, मैंने आपको बताया था जो हमारा B होगा जब हमारा रिमाइंडर क्या होगा जीरो, तो HCF हमारा क्या आएगा, HCF आएगा हमारा 7। यानी इन दो इंटीजर्स का HCF हमारा 7 आया है बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो गाइस आज का ये टॉपिक था आपका रियल नंबर का यूक्लिड डिवीजन लेमा, मैंने आपको क्लियर कराया है। अगर आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी हो, डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। एनसीईआरटी का मैं आपको यहाँ पर एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एग्जाम फोरी चैनल को बेल आइकन को ऑन जरूर कर लेना, हर एक क्वेश्चन मैं आपका एनसीईआरटी का यहीं पर कराऊंगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना। तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं कल फिर नई वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर।